डिप्टी सीएम विजय वगेल का एक बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने नक्सल नीति के प्रभाव को लेकर कहा कि किना रहेगा ये समय बताएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है लेकिन उसमें और सुधार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पूरी प्रक्रिया के साथ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी, उन्होंने कहा। वहीं किर्गिस्तान में फंसे बच्चों को लेकर उन्होंने आगे कहा कि किर्गिस्तान के छात्रों से बातचीत हुई है, अलग से नंबर जारी किया है, लगातार उनसे हम संपर्क में हैं। ये कितना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें। देखिए मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं, मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर भैया आपका बड़ी सफल। ये कितना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु